Okay, so we'll start with numericals today because AC circuits का और electromagnetic induction का हमने theory, combined theory हमने complete कर लिया है. So, to start off with first question, the magnetic flux linked with a coil is given by equation और phi मतलब flux Weber में दिया है 8t square plus 3t plus 5 and we are supposed to find out induced EMF at the fourth second. So if you remember, E equal to d phi by dt, मतलब हम सिर्फ, by the way, सिर्फ magnitude ले रहे हैं, तो हम Faraday's second law use कर रहे हैं, not Lenz law. Lenz law has negative sign, doesn't matter. We are talking about magnitude of flux here. तो आपको सिर्फ derivative लेते आना चाहिए, that's it. So derivative of 8t square plus 3t प्लस 5, इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा 16t प्लस 3, तो 16t प्लस 3, और आपको एट फोर्थ सेकेंड बोला है, तो यू हैव टू पुट जस्ट वैल्यू ऑफ t एज 4, तो ये आएगा आपका 16 इंटू 4, 64 प्लस 3, 67, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 67, ऑफ कोर्स दे हैव नॉट गिवन यू units in some units, so this is how you are supposed to solve this particular question. Next question, a coil of area 100 centimeter square has 500 turns, magnetic field of 0.1 Weber per meter square is perpendicular to the coil, the field is reduced to zero in 0.1 second, the induced EMF in the coil is. So in such questions, it is important that you imagine कि situation क्या है, ये coil है और आपको हमेशा पता होना चाहिए हम A bar हमेशा coil को perpendicular draw करते हैं और flux basically magnetic field भी उन्होंने बोला it is perpendicular to the coil, मतलब magnetic field और A bar का direction same है, मतलब theta की value यहाँ पे zero आएगी. This is important, right? क्योंकि आगे आने वाले questions में मैं theta की value zero नहीं रखने वाला हूँ. और आपको पूछा है induced EMF, तो formula is same, d phi by dt. But you should know that phi was b bar dot a bar into n, क्योंकि n number of turns you have to take into consideration. Coil के n turn है, तो n b a cos of theta, where theta is zero, cos zero is one. तो एन बी ए आएगा, राइट. नाउ ई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ फाइ, फाइ इज एन बी ए, वी आर नॉट चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, तो कॉन्स्टेंट है, एरिया हम चेंज नहीं करें, कॉन्स्टेंट है आउटसाइड, एंड द फील्ड इज रिड्यूस टू जीरो, मतलब डी बी बाई डी टी, बिकॉज फील्ड इज चेंजिंग, फील्ड वॉज initial was 0.1 and final field value is 0, है ना? तो आप लिख सकते हो इसको b2 minus b1 upon dt, और अगर आपको confusion होता होगा sign का, क्योंकि final field 0 है, तो यहाँ पे आप इस formula में minus use कर लेना, तो minus minus minus, तो यह आएगा nba with a negative sign, b2 0, क्योंकि फाइनल फील्ड जीरो, इनिशियल फील्ड 0.1 था, dt कितने टाइम में चेंज हुआ, 0.1 में चेंज हुआ, तो ये आ गया आपका n into a, नेगेटिव और ये नेगेटिव 1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो ही जाएगा वैसे, सो इट इज जस्ट n into a, n इज 500, 5 into 10 पावर 2, a इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 मतलब 10 पावर 2, सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में आप जाते हो तो 10 पावर माइनस माइनस 4 होता है, हाँ, तो मैंने अलग से 100 लिखा है यहाँ पे, तो 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर होता है, तो ये कैंसल कैंसल, तो टोटल इज 5 वोल्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन नंबर बी. तो व्हाट वी डिड वाज वेरी सिंपल थिंग, हमने सिर्फ ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लिखा है और फाई इज एन बी बार डॉट ए बार बाय एन, बिकॉज देर आर 500 टर्न्स and the flux is linked with each turn, so n likhna padega,
थीटा जीरो कैसे आया? क्योंकि क्वेश्चन में वैसा बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कॉइल को परपेंडिकुलर है, विच मीन्स एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज जीरो, तो थीटा जीरो आएगा। एंड देन फाइ की जगह पे एन बी ए सब्स्टिट्यूट करके आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय द इक्वेशन द इंड्यूस ईएमएफ, मतलब ये मोर और लेस सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो डेरिवेटिव्स लेने हैं, तो डेरिवेटिव्स हमको पता है कैसे लेते हैं, मैं ओरली बता देता हूं। 10t प्लस 3 और फोर्थ सेकंड पे है, तो 10 इंटू 4 40 प्लस 3 है ना 43, तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे 45, कैसे 45? How come 45? The magnetic flux linked with the coil in Weber is given by the equation 5t square plus 3t plus 16. Induced EMF at fourth second पूछा है। तो how do you find out? That is what? Yes. Now here the difference is at the fourth second, मतलब 0 to 4, ना? This is what she was asking. और in the fourth second, मतलब थर्ड और फोर्थ सेकेंड का जो वो वन सेकेंड टाइम पीरियड है उसका पूछा है। गुड, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स e विल बी डी फाइव बाई डी टी, तो डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ेगा, तो 10t प्लस 3, तो e एट t इक्वल टू 4 इज 10 इंटू 4 प्लस 3, मतलब ये आ जाएगा 43, और e at t equal to 3 will be 10 into 3 plus 3, यह आ जाएगा 33. तो induced EMF in the fourth second, induced EMF in the fourth second, देखो at or in, it makes a lot of difference. In the fourth second अगर आपको बोला है, तो it means e t equal to 4 minus e t equal to 3, मतलब 43 minus 33, मतलब 10 volt. तो इन और एट, एट मतलब जीरो से फोर, टोटल फोर सेकेंड्स में, और इन मतलब दैट पर्टिकुलर वन सेकेंड का जो पीरियड है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ एरिया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर 50 टर्न्स रोटेटिंग विथ 2000 रिवोल्यूशंस पर मिनट about an axis perpendicular to magnetic field of 0.05 tesla, the maximum value of EMF developed in it is, and that is the reason why I teach theory first. ये AC generator है, मैंने आपको बताया था कि AC generate कैसे करते हो, आप पहले एक magnetic field लेते हो, so we have a magnetic field something like this, उसमें हमने एक coil रख दिया था, तो if you remember हमने एक coil रखा था उसमें, और कॉइल का क्रॉस सेक्शन मतलब कॉइल परपेंडिकुलर रखा है, दिस इज एक्सिस ऑफ कॉइल और रोटेट ऐसे होगा कॉइल, देन जैसे ही कॉइल रोटेट होगा, जिनको याद नहीं है, जिन्होंने अटेंड नहीं किया था, उनके लिए इनिशियल डायरेक्शन, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, इनिशियली ए बार एंड बी बार आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा जीरो, initial flux was n into a into b, number of turns into a into b, क्योंकि flux क्या होता है, b bar dot a bar होता है, और b a cos theta, initial angle zero है। अब जैसे ये coil rotate होगा, so when this coil rotates, right, so as soon as this coil rotates, तो angle बनेगा some angle between a bar and b bar, that is theta, तो flux will change, तो flux change होगा, तो EMF induce होगा, EMF induce होगा, तो you know this will work as AC generator, तो यहाँ पे EMF की value जो है वो fluctuating आती है, alternating आती है, और हमको peak value पूछा है, if you remember हमने ये peak value n a b omega ऐसा एक इक्वेशन डिराइव किया था फॉर पीक वैल्यू इन टर्म इन केस ऑफ एसी जनरेटर, तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू पूछा है,
एन पता है? यस 50 टर्न्स। ए पता है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो मैं डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड 0.05, 2000 रिवोल्यूशंस पर मिनट, ये ओमेगा नहीं होता है, दिस इज एन, 2000 आरपीएम, आरपीएम तो रिवोल्यूशंस पर मिनट, इसको हमको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2000 बाय 60 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, ओके, तो ये आ गया आपका 100 बाय 3, तो ओमेगा आपको मिल जाएगा यहां से 2 पाई टाइम्स ऑफ एन, तो 2 पाई इनटू 100 बाय 3, तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर, सो दिस 200 पाई बाय 3। नाउ कैलकुलेशंस बहुत इजी है, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा गेट रिड ऑफ जीरोस, 1, 2, 3, 4, ये प्लस 4 माइनस 4 गया, तो 5 इंटू 8 इंटू 2 पाई बाय 3 इंटू ये 0.05 का ये 5 और 10 पावर माइनस 2 है हमारे पास अब, राइट? नाउ 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 5 200, तो वापस से 200 के दो जीरो और ये 10 पावर 2 गए, तो आपके पास 2 इंटू 2 पाई बाय 3 बचेगा, मतलब 4 पाई बाय 3 वोल्ट आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर सो दैट टोटल फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद अदर। If M is mutual inductance between them, then if you remember, mutual inductance is EMF induced in the second coil due to the rate of change of current in the first coil, or it is EMF induced in the first coil due to the rate of change of current in the second coil, vice versa. Right. Also, if you remember, by definition, self inductance is EMF induced in the coil to that of rate of change in the same coil, and also L2 is E2 upon DI2 by DT. So I can write down E1 equal to L1 DI1 by DT, and I can write down E2 as L2 DI2 by DT, right? अब ये E1 E2 की वैल्यू मैं डालता हूं M के इक्वेशन में, एंड वी हैव टू सिंप्लीफाई, तो इट इज सिंपल, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट, तो कैसे करेंगे इसके आगे, बिकॉज इट इज क्वाइट सिंपल। व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट आई विल जस्ट टेक, ये M है और ये भी M है, तो मैं क्या करता हूं, मैं M इंटू M M स्क्वायर कर लेता हूं, एक बार लिखूंगा मैं E1 अपॉन DI2 by dt, और एक बार लिखूंगा E2 DI1 by dt. I am doing nothing. मैंने M एक बार ये लिया है, एक बार M मैंने ये लिया है, और दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो M square मिला है, right? Clear up to this point? Now, आपको M square मिल गया, E1 आपको पता है L1 DI1 by dt है, अपॉन DI2 बाई DT है यहाँ पे, और E2 L2 DI2 बाई DT है, और डिनोमिनेटर में था DI1 बाई DT. दिस विल कैंसल आउट विद दिस वन एंड दिस विल कैंसल आउट विद दिस वन, तो आपको मिल जाएगा M स्क्वायर इक्वल टू L1 इंटू L2, विच इंप्लाइज M एज अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2 है क्या, ऑप्शन नंबर सी। और वैसे मैंने ये बताया भी था कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग m इक्वल टू k इनटू अंडर रूट ऑफ l1 इनटू l2, यहां पे k की वैल्यू 1 है, कंप्लीटली कपल्ड है। तो अगर आपको वो एक थ्योरी याद होता व्हेन आई टोल्ड यू म्यूचुअल इंडक्टेंस इज k रूट ऑफ l1 इनटू l2, k की वैल्यू अगर 0.5 से कम हुई तो लूजली कपल्ड, k की वैल्यू अगर 0.5 से 1 के बीच में हुई तो टाइटली कपल्ड, k की वैल्यू इक्वल टू 1 हुई तो परफेक्टली कपल्ड, तो ये परफेक्ट कपलिंग का केस था,
के की वैल्यू 1 डालनी थी तो ओरली हो जाता, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, इफ यू रिमेंबर दैट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टेंसेस इज 2.4 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 10 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। द डिफरेंस बिटवीन द टू इंडक्टेंसेस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इंडक्टर वर्क एज लाइक रजिस्टर, तो L1 प्लस L2, और फॉर पैरेलल इट विल बी L1 इनटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये वैल्यू आपको दी है 10, ये वैल्यू आपको दी है 2.4, तो आपको डिफरेंस पूछा है, दिस इज नथिंग, क्योंकि यहां पे मैं लिख सकता हूं L1 इनटू L2 अपॉन L1 प्लस L2 था 10, 2.4, राइट, तो आपको मिल जाएगा L1 इनटू L2 एज 24, मतलब आपको L2 मिल जाएगा 24 बाय L1। आपको डिफरेंस पूछा है, सिंपल है, तो डिफरेंस पूछा है तो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। पहला, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, L1 फाइंड करो, L1 मिल गया तो L2 अपने आप मिल जाएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज वन वे। ओके, ठीक है, तो पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, तो L1 प्लस 24 बाय L1 इक्वल टू 10, सॉल्व दिस, यू नीड टू सॉल्व दिस, तो ये आपका बनेगा क्वाड्रेटिक, L1 स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू 10 L1, तो L1 स्क्वायर माइनस 10 L1 प्लस 24 इक्वल टू 0। We are going in the right direction, but using a long track. So shortcut, because that is why you need to know mathematics. So I don't want to do it this way. ऐसा एक क्वेश्चन और कहीं भी आएगा तो याद रखना, somewhere the same thing will come. In school we have learnt binomial expansion, at least square का तो पता ही है ना? हमको डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस अगर हमको निकालना है तो मैं L1 माइनस L2 का स्क्वायर, तो हमको पता ही है क्या आता है, ये L1 स्क्वायर माइनस 2L1 L2 प्लस L2 स्क्वायर। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, L1 स्क्वायर प्लस 2L1 L2 प्लस L2 स्क्वायर माइनस 4L1 L2 लिख ही सकते हैं, सिर्फ हमने माइनस 4 प्लस 2 लिखा है, माइनस 2 को माइनस 4 प्लस 2 लिखा है, दैट्स द ओनली थिंग दैट वी हैव डन। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि ये जो टर्म है ये आ गया आपका L1 प्लस L2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ L1 L2। L1 प्लस L2 10 है, यस, माइनस 4 L1 इनटू L2 24 है, यस, तो आपको मिल जाएगा L1 माइनस L2 ब्रैकेट स्क्वायर एज 100, दिस इज 96, 24 फॉर द 96, तो आपको मिल जाएगा L1 माइनस L2 स्क्वायर एज 4, मतलब आपको L1 माइनस L2 मिल जाएगा 2, डिफरेंस इज 2 हेनरी। नहीं तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो L1 फिर L2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इतना इजीली तो होगा नहीं, फिर फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, फैक्टर्स नहीं मिला तो फिर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करो, तो ट्रिक्स, दिस इज वेयर यू कैन सेव टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ अ थिन वायर आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस 1 mH, अज्यूम क्रॉस सेक्शनल डायामीटर इज वेरी स्मॉल। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो आई वुड वॉन्ट दैट यू थिंक फॉर अ मिनट। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर नॉट गिवन यू, दिस काइंड ऑफ फॉर्मूलाज आर नॉट डायरेक्टली गिवन टू यू इन थ्योरी, डायरेक्टली नहीं दिया होता है। हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ मैं L मान रहा हूँ, अब इसको हम लोग सोलेनोइड में कन्वर्ट करेंगे ऑफ लेंथ 1 मीटर। ओके, तो एक हर एक टर्न के लिए, ईच टर्न के लिए हमको कुछ वायर का लेंथ लगेगा, तो ठीक है, तो टोटल लेंथ 1 मीटर है, दैट इज फाइन। ओके, सो
लेट अस से फॉर ईच टर्न आई नीड एल जीरो लेंथ फॉर ईच टर्न. ओके, तो टोटल लेंथ से हमने बना लिया 2πr, मतलब ये r रेडियस का कॉइल है, इसके n टर्न्स आ गए और ये L0 आ गया आपका हर एक टर्न देने के लिए जितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा वो. राइट, इज इट क्लियर? इफ यू आर सेइंग यस, तो आई विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ डाउट्स हियर. डायमेंशनली इज दिस करेक्ट? एग्जैक्टली. तो दिस स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये बताना चाहिए. क्योंकि ये जो है, मैं वापस बता देता हूं आपको. देखो क्या किया हमने, हमारे पास L लेंथ था, हमने L लेंथ को एक 1 मीटर के सोलेनोइड में कन्वर्ट किया है और रेडियस जो आया है R आया है, हर एक टर्न आपका 2πr इंटू एल जीरो. एल जीरो इज द लेंथ रिक्वायर्ड टू मेक 1 टर्न इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. दिस इज टोटल लेंथ, टोटल एल लेंथ को हमने सोलेनोइड में कन्वर्ट किया है 2πr सर्कमफेरेंस का. एंड यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ, क्योंकि ये आता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ लेंथ वैसे भी कैंसल होगा तो करेक्ट आएगा बेसिकली. हम ऐसा बोल सकता था कैपिटल एन इंटू 2πr, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन. लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा वैसा? It's not incorrect, it is correct, but why did I not write? Because आपको जो per unit length का formula याद है, inductance per unit length, if you remember, it was mu zero n square L zero pi r square, जो area था वहां पे basically. तो inductance per unit length का जो formula आपके पास था, that was something like this. तो ये आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है म्यू जीरो एन स्क्वायर ए, ऐसा था आपके पास इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला. इसलिए मैंने कैपिटल एन के टर्म्स में नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ कैपिटल एन लिखता आप गलती से यहाँ पे कैपिटल एन लिख देते तो गए. ओके, सो नाउ यू हैव एन स्क्वायर इक्वल टू फ्रॉम हियर एल अपॉन म्यू जीरो L0 pi r square. So you have n equal to under root of L upon mu 0 L0 pi r square. This value of n will go in equation number 1. So I will put this value of 2 in equation number 1. So you will have L equal to n, which is under root of L upon mu 0 L0 pi r square. Then here you have L0 2πr. ये square root के बाहर है. Something like this. Now if I take all this inside square root and simplify, L is equal to under root of L L0 square 4 pi square r square upon mu 0 L0 pi r square. Cancel, 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 cancel. ये एक भी गया. तो length आ गया आपका 4 pi L upon, मैं 4 pi को भी नीचे ले लूंगा, L upon mu 0 by 4 pi. Okay, good. L equal to कितना कितना बोला है आपको, कितना बोला है लेंथ, L कितना बोला है, 1 मिली हेनरी. इंडक्टेंस की वैल्यू 10⁻³ हेनरी, और ये कितना बोला है म्यूजर बाय 4 पर, कितना 10⁻⁷, ऊपर जाएगा तो +4, उसका रूट 2, मतलब 10⁻², मतलब कितना 100 मीटर लेंथ इज रिक्वायर्ड 100 मीटर टू मेक इंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर. 1 मीटर इज लाइक 3 फीट. 1 मिली हेनरी का इंडक्टर बनाना है 1 मीटर लॉन्ग, टोटल 100 मीटर वायर विल बी रिक्वायर्ड.
दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैं वापस बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट इज दिस, ये फॉर्मूला रेडीमेड है, पता होना चाहिए। ये कहाँ से आया मैंने बता दिया है, मैं वापस बता देता हूँ चाहिए तो, इफ यू वॉन्ट। दिस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टू लेंथ इंक्लूडेड इन ईच टर्म, ऐसा ही है वो, सिर्फ मैंने उसको इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन लिखा है, क्योंकि स्मॉल एन का फॉर्मूला मैं गिवन पैरामीटर्स, गिवन पैरामीटर क्या था हमारे पास, इंडक्टेंस वैल्यू, तो इसलिए हमने इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला यूज कर लिया, उसमें से हमको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मिल गया अंडर रूट ऑफ एल अपॉन म्यू जीरो एल जीरो पाई आर स्क्वायर। तो ये एन की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर दी, वहां से एक फॉर्मूला बन गया विच इज ओनली इंडक्टेंस अपॉन म्यू जीरो बाई फोर पाई, इंडक्टेंस की वैल्यू भी है मिली हेनरी 10^-3, म्यू जीरो बाई फोर पाई 10^-7 होता है, सब्स्टिट्यूट एंड डन। If the linear dimensions of the core of cylindrical coil are doubled, the inductance of the coil will be, first of all you need to know what are linear dimensions, okay? उससे भी पहले अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था हमने, L equal to mu zero n square, है ना, था क्या ऐसा कुछ, मैं ये फॉर्मूला लेता हूँ, n square L जीरो, अच्छा ठीक है एल जीरो बोलो एल बोलो डजंट मैटर, इनटू पाई आर स्क्वायर इज ए, राइट। तो अगर मैं इसको लिखता हूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टाइप में, तो कैंसल कैंसल, मतलब अल्टीमेटली ये आएगा आपका म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय लेंथ अल्टीमेटली। तो अभी ये वो लेंथ है ना, तो ये मैं जीरो जीरो नहीं लिखने वाला, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट था इसलिए वो हमको जीरो लिखना पड़ा, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है हमको, राइट, ओके, सो वी डोंट नीड दिस जीरो ओवर हियर। नाउ लीनियर डायमेंशंस डबल करने का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए, लीनियर डायमेंशन डबल करने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डबलिंग ऑफ लीनियर डायमेंशंस, लेंथ डबल होगा तो एल टू विल बी टू टाइम्स ऑफ एल वन, दैट इज करेक्ट, व्हाट एल्स, रेडियस, रेडियस क्या करोगे, हाफ, सो सी लीनियर डायमेंशंस, लीनियर 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 मतलब बेसिकली यू शुड नो व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज क्वाड्रेटिक, सो एंड सो फोर्थ। एनीवेज यहां पे जब लीनियर डायमेंशन डबल करने की बात की है तो डेफिनेटली लेंथ डबल होगा, नंबर ऑफ टर्न्स डबल होंगे और रेडियस भी डबल होगा, क्योंकि ये लीनियर है, एरिया जो होता है वो क्वाड्रेटिक होता है। इंडक्टेंस के इक्वेशन में एरिया है क्या, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लीनियर होता है क्या, नहीं। तो जब ये लीनियर बोलते हैं तो यहाँ पे इनका बोलने का मतलब ये है कि इंडक्टेंस के इक्वेशन में जो जो पैरामीटर का पावर वन है वो लीनियर, राइट। अब बोलोगे कि फिर ये टू है, एग्री दिस इज टू, बट अगेन देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं लेंथ डबल कर रहा हूं तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल होंगे, तो यू हैव टू डबल ऑल दिस। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ आर, तो ये म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय एन, फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पे इंडक्टेंस जो है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू एन, इट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर एंड एल, तो एल टू बाय एल वन विल बी इक्वल टू एन टू बाय एन वन, आर टू बाय आर वन, इन दोनों का स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू लेंथ, तो एन टू बाय एन वन इज टू, आर टू बाय आर वन इज अगेन टू, और ये आएगा आपका 1/2, ओके, तो ये आ गया आपका 4 square 16, 16/2 is 8, तो L2 is 8 times of L1, आ गया 8, yes. तो linear dimensions मतलब number of turns
लेंथ एंड रेडियस डबल करना, क्वाड्रेटिक डायमेंशन बोले होते तो एरिया को डबल करना वायर का. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट सर्किटेड कॉइल इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक पावर इज डिसिपेटेड ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल. इफ नंबर ऑफ टर्न्स वेर टू बी क्वाड्रपल्ड एंड द वायर रेडियस हाफ्ड, इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड वुड बी. तो व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार कि हमारे पास एक अगर कॉइल है और अगर हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर समथिंग लाइक दिस. सो व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन, हाँ मैं वो अच्छे से डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप बोलोगे कि ये लूप होगा, आई नो दिस लूप, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग लूप्स हियर. कॉन्सेप्ट आर इम्पॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज रियली इम्पॉर्टेंट हियर. तो क्या होता है कि व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड दिस इंड्यूसेस ईएमएफ, मतलब दिस इंड्यूसेस करंट. जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन होना ही चाहिए, आई कैन हैव अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो. मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल. तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो ये, और आपको बताना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क कैसे करता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में बेसिकली होती है वाइंडिंग. तो हियर यू हैव वाइंडिंग बोथ, एक में करंट आप क्लॉकवाइज सर्कुलेट करोगे, एक में आप एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट करोगे. एरोहेड जो भी दिखाया है मैंने, डजंट मैटर, इन वन ऑफ दिस यू विल बी सर्कुलेटिंग क्लॉकवाइज, इन अदर एंटी क्लॉकवाइज. सो वन विल एक्ट एज नॉर्थ पोल एंड अदर विल एक्ट एज साउथ पोल. तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि विद टाइम I can change the direction of current. तो जो north था वो south बन जाएगा, जो south था वो north बन जाएगा. This is one way of varying magnetic field. Other way is कि जो current का direction है वो आप same रखो, keep it same, but ये जो current का strength है जिसकी वजह से magnetic field generate हो रहा था उसको change करो, वैसा भी possible है. तो when they say time varying magnetic field, you need to understand that instead of having relative motion between coil and magnet, ना coil move हो रहा है ना magnet move हो रहा है, magnetic field जो था वो ही change कर रहा है. तो flux change होगा, flux change होगा तो EMF induce होगा, right? तो this is what they are saying. तो अब short circuit मतलब दो wire लिया, दोनों के points को हमने join कर दिया, मतलब coil बन गया, तो short circuited. Okay? तो ऐसा क्वेश्चन है. अब बात की है यहाँ पे पावर की, तो सबसे पहले पता होना चाहिए पावर का इक्वेशन. तो पावर का इक्वेशन तीन आपको पता है, आई स्क्वायर आर, वी इंटू आई मतलब ई इंटू आई, और ई स्क्वायर बाय आर मतलब वी स्क्वायर बाय आर. तो हम लोग यहाँ पे ई स्क्वायर बाय आर इक्वेशन यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स ई मैं फाइंड कर सकता हूँ. व्हाट इज ई? डी फाई बाई डी टी, है ना. E is nothing but d phi by dt का square by r आएगा. And d phi by dt, what is phi by the way? What is phi? N b a. Number of turns into b into a. This is flux. Under the assumption कि magnetic field ये coil को perpendicular है. मतलब ए बार और बी बार का डायरेक्शन सेम है. अगेन द सेम थिंग, एन और ए, सॉरी मतलब एन हम चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं. ए चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं. यहां पे चेंज क्या हो रहा है? नहीं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, वो देखेंगे ना, इक्वेशन तो बनाने दो. सो अभी तक हम जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, वी आर नॉट येट डिस्कसिंग अबाउट चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया. मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूं यहाँ पे फिलहाल. तो एन ए डी बी बाई डी टी इसका स्क्वेयर वन बाय आर. इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यहां तक कोई डाउट है? तो पावर का जो आपके पास इक्वेशन बनेगा
वो पावर का इक्वेशन क्या आएगा, एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाय आर डी बी बाय डी टी का स्क्वायर, करेक्ट, गुड। नाउ नाउ हियर ऑनवर्ड्स वी कैन अप्लाई व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी क्या बोला है, नंबर ऑफ टर्न्स वेयर टू बी क्वाड्रपल्ड एंड द वायर रेडियस एंड हाफ्ड इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड वुड बी। नाउ हाउ टू सॉल्व हियर ऑनवर्ड्स, मैं वापस एक बता देता हूं आपको क्या किया है। पावर इज स्क्वायर बाय आर इज डी फाई बाई डी टी बाई आर, फाई इज एन बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स कॉन्स्टेंट ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है आपने, तो एक फॉर्मूला बन गया पावर का एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाय आर डी बी बाई डी टी स्क्वायर। अब इसके आगे समझना इंपॉर्टेंट है, कॉइल ये पहला केस है, ये दूसरा केस है ना, हमने नंबर ऑफ टर्न्स को क्वाड्रपल कर दिया और रेडियस को हाफ कर दिया ना? ऐसा बोला है क्योंकि जो पहले टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड था वो अलग था और अभी अलग है, नहीं, मतलब नाउ इन रियलिटी दिस इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि जिस कॉइल को मैंने पहले जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा था टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, अब जब मैं टर्न्स चेंज कर रहा हूँ रेडियस चेंज कर रहा हूँ, वो कॉइल वापस से उसी मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस दोनों कॉइल के लिए सेम रहेंगे, मतलब क्या कॉन्स्टेंट हुआ, डी बी बाई डी टी कॉन्स्टेंट हुआ। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट, डी बी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, तो पावर इज प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई आर, राइट। अब डू यू रिमेंबर दैट रेजिस्टेंस वॉज प्रपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, ओके, तो पावर इज प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर लेंथ बाय ए, ओके, राइट, ठीक है। सो दिस इज एन स्क्वायर ए क्यूब बाय एल, राइट, राइट, नहीं, क्यों नहीं, क्यों ये सही नहीं है, ये सही इसके लिए नहीं है, थोड़ा सा आपको हमेशा केयरफुल रहना है, बिकॉज ये एरिया जब आप लिखते हो तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर होता है, और ये जो एरिया आपने यहाँ पे लिखा है ये वायर से जो आपने कॉइल बनाया है उस कॉइल का एरिया था, तो रेजिस्टेंस में जो आप एरिया लिखते हो वो एरिया और कॉइल जब बनाया है वो एरिया, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, तो ये ऐसा आएगा। फिर आप लिखोगे एन स्क्वायर ए स्क्वायर ए बाय एल। नाउ P is proportional to आगे क्या करेंगे अब, हाउ विल यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ यू विल से दैट दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड दिस एरिया, क्या क्या किया है, नंबर ऑफ टर्न्स वेयर टू बी क्वाड्रपल्ड, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए हैं किसके, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स चेंज किए हैं, और रेडियस हाफ किया, किसका रेडियस हाफ किया है, कॉइल का रेडियस हाफ किया, गुड। सो यू हैव टू नाउ राइट थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, तो अब इसके आगे क्या होगा वो बताओ, एन स्क्वायर दिस एरिया, ये कौन सा एरिया है उस पर ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि हियर यू मे गो रॉन्ग, ओके। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा r रेस टू व्हाट, ओके, टू, ठीक है, ये a क्या लिखेंगे हम, r रेस टू फोर,
आई आस्क ईच स्टेप हियर आर एस टू, कैसे आर एस टू फोर, कैसे आया आर एस टू फोर, हाउ कम आर एस टू फोर एरिया पाई आर स्क्वायर सोलेनोइड का रेडियस है अपॉन लेंथ, ठीक है। थिंक सोचते रहो, व्हाट आई वांट इज यू टेक इट एज एन असाइनमेंट और व्हाट एवर, आई वांट यू टू कम टू दिस कंक्लूजन whether this is correct or incorrect, if yes how, if not why. सोचना क्या होता है कि जब आप टर्न्स को क्वाड्रुपल करोगे तो हाँ तो जो कॉइल है उसके रेडियस के साथ क्या होगा ये सोचना होता है, तो थिंक अबाउट इट, आंसर आ गया अगर इफ यू आर एबल टू रीच अप टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन तक पहुंचने के बाकी तरीके भी है, आई टेल यू हाउ। देखो अब क्या है, वायर का रेडियस हाफ और नंबर ऑफ टर्न्स क्वाड्रपल और नीचे लेंथ है, तो इफ यू पुट दिस वैल्यूज हियर आर हाफ, आर हाफ तो आर टू बाय आर वन इज वन बाय टू रेज टू फोर है ना, और नंबर ऑफ टर्न्स को क्वाड्रपल करना मतलब n2 बाय n1 ये है आपका 4 उसका स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 2 रेज टू 4 और 4 रेज टू 2 कैंसिल आउट, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज, तो इलेक्ट्रिकल पावर विल बी द सेम, तो यू नीड टू थिंक इन दिस वे, तो आई वांट यू टू वर्क आउट दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ वंस एंड देन वी विल लुक at it again in the next session. तो same आएगा पर कैसे आएगा ये आपकी responsibility है to check. Next question, a point source, point तो हो नहीं सकता तो point ही होगा, a point source of electromagnetic radiation has an average power output of 800 watt, the maximum value of electric field at a distance of 3.5 meter from the source will be. So, this question is out of scope because this is not part of this chapter. So, an electromagnet has stored 648 joule of energy. Electromagnet energy is 648 joule of magnetic energy. Do you remember magnetic energy formula? Batao. Half Li square. This is magnetic energy, half Li square, half CV square was capacitor mein energy stored. When a current of 9 ampere exists in the coil, what is average EMF induced if the current is reduced to 0 in 0.45 second? तो आपको क्या दिया है, आपको U दिया है, I दिया है, तो आपको यहां से मिल जाएगा L as 2U by I square, तो 2U, U is 648 by I square, I square is this 9 square, that is 81. तो आपको यहां से मिल जाएगी value of L. That will be 9 square 81 to 650 plus 650. 1300 में से 24. 1300 में से 1296. 1296 by 81. 1296 by 81. और यहां पे कुछ miss हो गया क्या हमारा? 2U by I square. ठीक है. This is correct. तो 1296 by 81, 13 by 8, 130 by 8, roughly ये 16 आता है ये. So this is 16 Henry more or less. तो आपको मिल गया L. अब आपको L मिल गया. तो induced EMF आप find कर सकते हो कैसे? Induced EMF का formula याद है आपको? Self inductance से minus L di by dt है ना, फॉर्मूलास मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है क्या? वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी. ओके तो लुक हियर, ध्यान दो मैं वापस बता देता हूं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं बता देता हूं. हमारे पास एक कॉइल था,
इस कॉइल में हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा के, हमने यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया है. तो व्हेन यू हैव अ अल्टरनेटिंग सोर्स हियर, या फिर डायरेक्ट सोर्स भी होगा, डजंट मैटर, पर हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स की बात कर रहे हैं. तो जैसे जैसे करंट चेंज होगा, तो करंट जब चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगता है. जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब डी फाइव बाई डी टी, फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम. When flux is changing with time, there is a back EMF, मतलब एक induced current है जो original current के opposite direction में था. मतलब magnetic flux को generate होने में problem create हुआ क्योंकि back EMF था. मतलब magnetic field को, flux को generate करने के लिए work done करना पड़ा था. वो वर्क डन कहां गया? वो वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड में ही स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और उस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, विच इज हाफ एल आई स्क्वायर. यहां तक क्लियर? ये थ्योरी में मैंने बताया है. इज इट क्लियर नाउ? राइट. सो दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी. तो हमको यहां से मिल गया 2u बाय आई स्क्वायर. तो ये 2 × 648/9² ये हमारे पास आ गया 16 हेनरी. हमको बोला है व्हाट एवरेज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इफ द करंट इज रिड्यूस्ड टू जीरो इन 0.45 सेकेंड. डू यू रिमेम्बर ई एस एल डी आई बाई डी टी? यस. एल कितना या 16 हेनरी. इनिशियल करंट कितना था? 9. तो I2 - I1. व्हाट आई विल डू इज आई पुट अ नेगेटिव साइन हियर, -16. फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट अपॉन टाइम, -16. फाइनल करंट इज 0 माइनस इनिशियल करंट इज 9 अपॉन डीटी इज 0.45. तो ये आपका आ गया 16 × 9/0.45. 1 × 20 = 16, 2 = 32. तो 320 वोल्ट एवरेज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. तो कंक्लूजन, मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. आपको आई दिया है, आपको यू दिया है, वहां से एल मिलेगा. ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. सेल्फ इंडक्टेंस है क्योंकि एक ही कॉइल है, तो ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी लिखोगे. अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस होता तो ई टू इक्वल टू एम डी आई वन बाई डी टी होता. राइट. तो फॉर्मूला यू नीड टू नो. Okay, so it is time for us to stop. I have some other meeting to attend, so we'll continue tomorrow at the same time.